पिनाहट में व्यापारी दंपत्ति के डबल मर्डर से फैली सनसनी, हत्या कर लूट की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बाह थाना कस्बा पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला मार में गल्ला व्यापारी और उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। व्यापारी और उसकी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़े मिले। एक साथ डबल हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के अनुसार सुरेश चंद गुप्ता पुत्र वासुदेव गुप्ता उम्र करीब 72 वर्ष निवासी मोहल्ला मार कस्बा थाना पिनाहट और उनकी पत्नी कृष्णा देवी उम्र करीब 65 वर्ष दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे। वही सुरेश चंद गुप्ता कस्बा पिनाहट में गल्ला आड़त का व्यापार करते हैं और तेल मिल भी चलाते हैं। वही एकलौता पुत्र दिलीप गुप्ता आगरा में अपना व्यापार करता है और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। बताया गया है कि व्यापारी सुरेश चंद गुप्ता शनिवार को अपने बेटे दिलीप से आगरा मिलने गए थे। शाम को करीब 4:30 बजे वह घर लौटकर पिनाहट कस्बा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मिलो और दुकान को खोला। करीब 7:30 बजे मिल और दुकान को बंद किया और घर चले गए थे। रविवार को दोपहर तक व्यापारी और पत्नी बाहर नहीं निकले, तो कुछ शक होने पर पड़ोसियों ने घर में जाकर देखा तो प्रथम तल पर कमरे में व्यापारी सुरेश चंद गुप्ता और उनकी पत्नी कृष्णा का शव लहूलुहान मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खून से सने पड़े व्यापारी दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना पर कस्बा के दर्जनों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए। सूचना पर एसपी पूर्वी सोमेंद्र सिंह मीणा, थाना प्रभारी पिनाहट कुलदीप कुमार, पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी की। पुलिस जांच में व्यापारी पति पत्नी के गले पर निशान पाए गए हैं। घर का सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, अलमारी वगैरह सब बिखरी पड़ी थी, जिससे प्रथम दृष्टया अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट कर व्यापारी दंपत्ति की डबल हत्या को अंजाम देने की आशंका जताई गई है। व्यापारी पति पत्नी की हत्या की घटना को लेकर घटनास्थल पिनाहट में मौके पर पहुंचे एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरी बारीकी से जानकारी ली। मौके पर डॉग स्क्वायड एवं फॉरेंसिक विभाग की टीम को बुलाया गया। घटनास्थल से दोनों टीमों ने साक्ष्य जुटाए हैं। वही एसएसपी ने पुलिस की टीमों को गठित कर डबल हत्या मामले का खुलासा करने को निर्देश दिए हैं। पुलिस ने परिजनों और व्यापारियों को जल्द मामले के खुलासे का आश्वासन देकर व्यापारी दंपत्ति के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिनाहट थाना क्षेत्र में पिनाहट कस्बे में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोगों की जो पति पत्नी है उनके दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर से, जिन लोगों ने देखा था। मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहां पे पति पत्नी दोनों ही मिले, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है और एक के सिर पे चोट के निशान थे। चेक किया गया, फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया तो वो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। परिजनों को सूचना दी गई है, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, सामान भी बिखरा पड़ा था और उन्हीं के द्वारा हो सकता है रात में लोग जग गए हों, तो ये हत्या कारित की गई है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुल 3 टीमों को लगाया गया घटना के अनुसार।